वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ से कप्पू मिले हो सकता है, लेकिन फिलहाल अब है नहीं। तो दूर रहे, ऐसा क्या है, अवॉइड करें इसको। अच्छा गावा सर, कुछ क्विक जवाब चाहिए। जैसे मेट्रोपोलिस का डेटा इस समय शो कर रहा है कि वहाँ पे शॉर्ट बिल्ट हो रहे हैं, सेल साइड का कॉल है ये? मेट्रोपोलिस का ये शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है यहाँ पर, लेकिन मुझे चार्ट स्ट्रक्चर में थोड़ा रेसिस्टेंस है 2600 में। ये शॉर्ट टर्म का रेसिस्टेंस है, लेकिन जो 2000 के आसपास मेट्रोपोलिस का जो चार्ट है मुझे वहां पर अच्छा लगता है। हो सकता है थोड़ा यहाँ पर वक्त गुजारे, साइडवेज में मिल सकता है, लेकिन जो गिरावट हुई है करीब 3 महीने की वो बुरी गिरावट हुई है। तो अपर रीजन में थोड़ा रेसिस्टेंस है, 2600 से 2800 रेसिस्टेंस आएगा, लेकिन 2000 के आसपास सपोर्ट है। तो ये रेंज बाउंड रहेगा, थोड़ा ट्रेडिंग ट्रबल सम होएगा, डिफिकल्ट रहेगा। ओके, और टॉरेंट पावर में गावा सर? टॉरेंट पावर, वेल टॉरेंट पावर का चार्ट अच्छा लगता है मुझे। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अप मूव ऑन है, 500 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 530 में और भी अच्छा सपोर्ट है, अपसाइड ऑन है, हो सकता है 600 भी देखेंगे आते दिनों में। चार्ट स्ट्रक्चर तो ठीक है, होल्ड करना चाहिए। चार्ट स्ट्रक्चर ठीक है, इसको होल्ड करना चाहिए एक्चुअली ये। हाँ थोड़ा सा मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आप होल्ड करके सकते हैं। गावा सर एक लास्ट क्वेश्चन और आपसे लेंगे, जी। जिस पर आज नतीजा आया था TCS पे। देखिए TCS में रिजल्ट आ गया, इनके पास डी ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, डील्स बहुत अच्छी है, क्लॉक की रिजल्ट इन लाइन है, और आपने बायबैक का प्राइस देख ही रखा है, 4500 का है स्टॉक, इस समय 3725 पर ट्रेड कर रहा है। तो गावा सर अगर किसी को ट्रेडिंग के लिए करना है या किसी को इस प्राइस पे सारी खबरें डाइजेस्ट हो गई हैं एंट्री करना है इन्वेस्टिंग के लिए मान लीजिए, तो करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। मुझे TCS का जो चार्ट स्ट्रक्चर है, बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, उसके बाद थोड़ा साइडवेज मूव पर है, वीक मूव नहीं है, साइडवेज मूव एक कंटिन्यूशन पैटर्न कह मानते हैं। और रिसेंट जो हमने लो देखा, थोड़ा डिप देखा, तो 3650 के आसपास से बाउंस मिला है, तो 3650 एक शॉर्ट टर्म में भी एक सपोर्ट बन गया है, ले लेना चाहिए। अप मूव मिलेगा, और एक बार 3825-50 पे पार कर लेगा तो फिर एक अच्छा अप मूव मिलेगा ऑन द अपसाइड। तो चार्ट स्ट्रक्चर तो अच्छा है, इसमें डिप्स खरीदारी का मौका रहेगा TCS में। ओके गावा सर बहुत बहुत शुक्रिया मैं दर्शकों की मदद करने के लिए। और अब हो रहा है ब्रेक का समय, तो ब्रेक में जाने से पहले जैसे मैं आपको रोज याद दिलाते हैं, आज फिर याद दिला रहा हूँ कि NSE और CNBC आवास की एक मुहिम है जिसका नाम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, और निवेशकों को हम जानकारी देंगे कि कंप्यूटर की अगर आपको समझ है, ठीक ठाक समझते हैं, तभी डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नोट का ऑप्शन रखिए आपके पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नोट का विकल्प चुनने पर आपको अपना ईमेल आईडी डिटेल्स के साथ ही ऑथोराइजेशन लेटर ब्रोकर को देना पड़ सकता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट में दिए गए डिटेल्स और अपने ऑर्डर को हमेशा क्रॉस चेक करें। किसी अनसुलझे मुद्दे के निपटारे के लिए आप अपने पास के NSE इन्वेस्टर सेल से भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही, देखिए खिलाड़ी नंबर 1 ब्रेक के बाद।